जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया है जिसमें दो तीन दहशतगर्दों की जाने गई हैं और साथ ही साथ एक दो को अरेस्ट भी किया गया है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में जो आए दिन हम सुनते थे कभी के जम्मू के इलाके में कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में वहां पे अटैक किया जा रहा था, क्या अब ये कंट्रोल होगा और इसके जो जिम्मेदार हैं क्या अब वो अलर्ट होंगे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बोल रहे हैं शुक्र आप सुनाए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मोहम्मद जिक्री। कैसे हैं जिक्रिया भाई? ठीक है। कारोबार कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा गुजारा हो रहा है। ठीक है। अच्छा गोल्डन भाई, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी बड़ी खबर ये आ रही है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मीडिया सोशल मीडिया पे, इंडिया के मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो हाफिज सईद के बहुत करीबी वहाँ पे लोग हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है, ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किया, जाने गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में जी, वहाँ पे कपवारा का इलाके में जहाँ पे रिसेंटली अभी इन्होंने जो दहशतगर्दी का एक नया वाकया हुआ है। मैं थोड़ा सा आए दिन होते रहते हैं और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा। आज से 20 साल पहले जब वहाँ पे इस तरह की दहशतगर्दी के वाकया रूनमा हुए उसके बाद उन्होंने अपनी फोर्सेज को और अपने बहुत सा अलर्ट करके वहाँ पे क्लियर किया। उसके बाद आप लोगों ने और मैंने पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ पे G20 आया, वहाँ पे आपने देखा पूरी दुनिया का इन्वेस्टर आया, इस्लामिक इस्लामिक ठीक है, बहुत सी डिटेल है उसमें। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो वाकया हुआ है उसमें मैं अलर्ट करना चाहूंगा वो लोग जो इंसानों की दुश्मन हैं, जो जान लेते हैं इंसानों की, मैं उनको अलर्ट करना चाहता हूं कि इंडिया के जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं 500 वो आए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो आए हैं और वो साफ कर देंगे। वो उन्होंने इस चीज को बहुत डीपली लेते हैं दहशतगर्दी को, और मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो जिहाद के नाम पे जो और बहुत सी मजहब के नाम पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो फसादात और जो इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं वो अलर्ट हो जाए, उनकी नींदें हराम कर दी गई हैं। ठीक है। और ये यकीन है क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। ठीक है। रिसेंटली भी, पीछे भी और अभी भी वो करके दिखाएंगे। 500 स्पेशल पैरा कमांडोज है जिनका दुनिया में तकरीबन वो बहुत हाई पे होते हैं, वो एक ही बंदा बहुत होता है 200 बंदे के ऊपर। ठीक हो गया। और इसके ऊपर डिटेल में अगर मैं तो जाहिर बात है हर पाकिस्तानी बल्कि हर वो इंसान जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता हो वो ये चाहेगा कि कहीं पे भी बेगुनाह इंसान की जान ना जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, किसी की भी जान जाना मतलब ये है कि इंसानियत के जो है वो लेवल के हट के बात है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? हमने 76 साल कश्मीर कश्मीर पढ़ा, कश्मीर कश्मीर सुना, कश्मीर कश्मीर के नारे लगाए, प्रैक्टिकली हम क्या कश्मीर के लिए कर रहे हैं और वो लोग कश्मीर के लिए प्रैक्टिकली आपके ख्याल से क्या कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम भाई जान, बात ये है कि मैं बचपन से अब तक यही सुन रहा हूँ कश्मीर में ये हो गया, आज कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये ख्वाब ही देख रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि हमारी सोच ही रह जाए। ठीक हो गया। ठीक है। इस इशू पे किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। ठीक है। और उल्टा हमारे साइड पे गोल्डन भाई, हमारे साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हम अपने कश्मीर में मैं क्या किया अभी रिसेंटली बात है, ये जो बिल आए हैं अभी मैं बिल के इशू पे बात करूंगा उनका, आप कहते हैं कश्मीर हमारा है हर चीज, अब सिर्फ आप इस लेवल पे बात करते हैं उधर की बिजली और इधर लाहौर की बिजली के रेट्स में कितना फर्क है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।